तो वह देखो किसी भी एग्रीमेंट से लेकर काफी सारे खुलासा हो रहे हैं। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि खेसारी भैया जो अभी एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं वो किस किस के वजह से फंसे हुए हैं और कौन है इस एग्रीमेंट के पीछे का मास्टरमाइंड। बीआईबी विजेंद्र सिंह अपने वीडियो के माध्यम से काफी सारे खुलासा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सारे वीडियो को सही नहीं ले रहा था। मेरे को लग रहा था ये जरूर ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन से मिले हुए हैं इसलिए उटपटान बातें कर रहे हैं, लेकिन कल रात को मैंने इनका ये वाला वीडियो देखा और ये वाला वीडियो देखने के बाद भाई तुम्हें तो शौक हो गया। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं मेरे को नहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चाई इस वीडियो में बताए हैं ना इतना डिटेल में कोई बता ही नहीं सकता। अब मेरे को सच्चाई कुछ कुछ पता चल रहा है क्योंकि अभी बीआईबी विजेंद्र सिंह सिर्फ गलत बोल रहे हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब खेसारी भैया का भाई इस वीडियो को शेयर किए अपने फेसबुक पेज पे तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। जिस हिसाब से वो डिटेलिंग दे रहे हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया है, किसने धोखेबाजी किया, एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, तो इससे तो मेरे को ये नहीं लगता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। और जिस हिसाब से अभी खेसारी भैया सैड है, अभी शूटिंग कर रहे हैं गोरखपुर में मेहरबान का, और आज मेरे को उनका फेस देखने में काफी दुखी होता है कि आज भैया इतने सैड हैं और इसके पीछे यही दो लोग हैं और कोई नहीं है। अब मानो या फिर ना मानो बीआईबी विजेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं या फिर नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं, अकाउंट नंबर दिखाने तक के लिए तैयार है, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, अब वो सुनने को बाद तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब तक खेसारी भैया इस बात का क्लियर नहीं कर देता कि विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप सही है, तब तक मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। बल्कि मैं ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं खेसारी भैया का वो सब भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक खेसारी भैया लाइव आकर बता नहीं देते कि ये दोनों सही है, ये दोनों मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकते और नहीं किए हैं, तो मैं तब तक नहीं सपोर्ट करूंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि सच का साथ देना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि हम ही लोग गुमराह हो रहे हो, हमें तो यही बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, हम सभी को समझना पड़ेगा। क्योंकि यार एक गलत हो सकते, दो गलत हो सकते, लेकिन इतने सारे तो गलत नहीं हो सकते। मैं मान ही नहीं सकता हूँ इतना डिटेलिंग दे, ये हो ही नहीं सकता। एग्रीमेंट पे लिखा है कि अन्नपूर्णा फिल्म से और ब्लू बीट भोजपुरी से गाना नहीं आएगा खेसारी भैया का, लिखा हुआ है भाई एग्रीमेंट पे, दूसरे वाले एग्रीमेंट पे। पहले वाले पे तो कुछ और लिखा था, लेकिन दूसरे वाले पे ये लिखा है। एग्रीमेंट पे ये लिखा है कि खेसारी भैया दुनिया के किसी भी कंपनी से अपना गाना रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू बीट भोजपुरी और अन्नपूर्णा फिल्म से गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये बात बुरी लगी हो अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह को कि दुनिया की कंपनी से रिलीज करेगा और मेरी कंपनी से रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अब जब तक खेसारी भैया इन दोनों को अपने साथ बैठाकर लाइव में ये नहीं बोल देते कि ये दोनों सही है, ये दोनों गलत नहीं है, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम ही क्या, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक खेसारी भैया इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये दोनों सही है, तब तक तो नहीं होगा भाई। अब आप घूस लिए हो कि नहीं लिए हो, अब वो तो सच्चाई बता रहा है कि आपकी बीवी के अकाउंट में गया है, अकाउंट नंबर देने को तैयार है, कहां गया था, किस बैंक में गया था, अब वो सब देने को वो तैयार हैं। तो अब मैं कैसे मान लूं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है? अगर आपको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप ही कुछ ऐसा प्रूफ दे दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि आप दोनों सही हैं और वो बंदा झूठ बोल रहा है। अगर आप दोनों सही बोल रहे हैं अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह, तो आप जाइए खेसारी भैया के पास और लाइव आकर बताइए कि हम गलत नहीं है। खेसारी भैया खुद बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल झपटा हो रहा है। क्योंकि खेसारी भैया की टीम से अचानक से राजीव शर्मा छोड़ देना, पवन पांडे छोड़ देना, पुराने टीम वाले जितने भी हैं सभी छोड़ देना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। अचानक से यामिनी सिंह छोड़ देना, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, कुछ ना कुछ झोल झपटा है, तो मैं क्या समझूं मैं? क्योंकि जिस तरह से बीआईबी विजेंद्र सिंह बता रहे हैं बात में दम है। बाकी आप सभी का क्या मानना है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देना, हमारे चैनल पे भोजपुरी का अपडेट आते रहता है।